चाहत हुई तेरे नाम। क्या बात है अम्मी? हीरा हो, बात करना चाह रही थी तुमसे। तो इतना सोच क्यों रही है, बोले ना। बेटा वो अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। क्यों अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? अम्मी आप यहाँ होती हैं तो मुझे बहुत सुकून रहता है, इतना ख्याल रखती हैं आप मेरा। बेटा बेटियों के घर रहना इस तरह से अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी तुम्हारी सास चाहती है कि तुम्हारी तवज्जो ज्यादा वारिस पे होनी चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, अलीजे को अपने साथ ले जाती हूँ, तुम अपने बेटे का सही से ख्याल करो। आप अलीजे को लेकर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अलीजे के बगैर नहीं रह सकती हूँ। अम्मी आप कहीं नहीं जा रही, बस मैंने कह दिया आपसे। बेटा समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझने की कोशिश करूं? समझते समझते तो इतना वक्त गुजर गया, अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, जो मुझे समझ में आएगा। बस मैंने कह दिया ना, आप कहीं नहीं जा रहे। बहुत जिद्दी हो तुम। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो आपकी शादी हो चुकी है, फिर आप हीरा को अपनी जिंदगी में वापस कैसे ला सकते हैं? दरअसल मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, और शायद मेरी बीवी भी खुश नहीं है। और जैसे आपने कहा कि हीरा मुझे याद करती है, मेरे बारे में अब भी सोचती है, तो क्यों ना हम फिर से एक हो जाएं? आप क्या समझते हैं, कहरा सब कुछ भूलकर आपकी बात मान जाएगी? माफी मांगने पर तो अल्लाह भी हमें माफ कर देते हैं, और हम तो सिर्फ इंसान हैं। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या आप कहें, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब इंसान खुद कुछ अपनी जिंदगी में गंवा देता है तो उसकी तलाश में अपनी पूरी जिंदगी और बात कर देता है। फिर भी उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि खुदा किसी की तौबा कबूल करके उसकी झोली खुशियों से भर देता है। ठीक कह रही हैं, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह मेरी झोली खुशियों से भर देगा। इंशाल्लाह। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, अभी अभी आ जाएगी, अभी मामा आ जाएगी। नूरी, ए नूरी। जी ये देखो, जोया कहाँ चली गई है? पता नहीं जी, आती तो आपके सामने से गुजर के जाती। अरे मुझसे कह के गई थी कि आधे घंटे में आ जाऊंगी अम्मी के घर से, पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो वारिस भी रोने लगा, पता करो कहाँ है। पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे फोन करके मालूम करो ना कहाँ है। जी मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ चलो फोन करो। अच्छा बस, मेरे ख्याल में आपका ख्याल सच साबित होने वाला है फरीद साहब। Really? लेकिन कैसे होगा ये? वो ऐसे कि मैं आपसे जो जो कहती रहूं, आप वो सब करते जाएं। आप जो भी कहेंगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बताएं मुझे क्या करना होगा। उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करती हूँ,
कि बहुत जल्द मैं आपकी मुलाकात हेरा से करवा दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ नूरी बोलो। अस्सलाम वालेकुम जोया बीबी, बेगम साहब पूछ रही हैं आप कब आएंगी। क्यों, क्या हुआ? वो ना वाले साहब रो रहे हैं। हाँ तुम अम्मी को बोलो बस, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। ठीक है। हाँ क्या कह रही है? बेगम साहब वो कह रही है कि मैं रस्ते में हूँ, बस आ रही हूँ। अच्छा चलो ठीक। तो माँ बनने की जिम्मेदारी भी चाहिए और बाहर जाके मटर गश भी करना है। लड़कियों ने माँ बनना कितना आसान समझ लिया। अच्छा चुप चुप, बस 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 बस। तो किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? हाँ नहीं जी, सब ठीक है, बस अभी मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप प्लीज मुझे हीरा का नंबर तो दे सकती हैं ना? प्लीज। ओके। मैं बच्चा, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, अभी मामा आएंगी ना, फिर तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। चलो मेरा लाल मेरा प्यारा, पता नहीं ये जोया रह कहाँ गई। अच्छा चुप 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 चुप, बश बश बश। Calls. आज तो मामू को इस्लामाबाद जाना था, वो सिकंदर साहब से ही मिलना था। वेट कर रहे होंगे। Oh God, please help me. फारिस क्यों रो रहा है? हद होती है किसी चीज की, हद होती है। काय फरीद, क्या हुआ शकील, इतना गुस्से में क्यों हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ कि फरीद कहाँ है? फरीद यहीं होगा अपने कमरे में। पता नहीं आजकल इसका दिमाग कहाँ लगा हुआ है।
मैंने उसे कहा भी था कि आज ऑफिस में सिकंदर साहब से बहुत जरूरी मीटिंग है और उसका आना भी जरूरी है, लेकिन नहीं आया। हो सकता है उससे कोई जरूरी काम हो। सबाहत बेगम, इस काम से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं था, और आप भी उसकी तरफदारी करना बंद कर दें प्लीज। मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ शकील, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि वो हमारा दामाद है। आप एक बात अच्छी तरह समझ ले सबाहत बेगम, वो हमारा दामाद हमारी मर्जी से बना है, वरना था क्या उसके पास, अपनी टांग में तो खड़ा नहीं रह सकता था। तो हमारा एहसान है उसपे कि हमने उसको अपनी बेटी देके सोसाइटी में उसको एक नाम दिया। आज ऑफिस में ना आकर उसने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की है, जाए बुलाए उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ, आप रिलैक्स करें, आप चेंज कर लें। ठीक है, मैं चेंज करके लौट जाता हूँ, उसे वहीं बुलाऊँ। मैं बुलाती हूँ। बस बस बस, 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 बस। अरे ये तो बहुत रो रहा है, लाए मुझे दे, मैं चुप रहने दो। ध्यान आ गया तुम्हें कि ये रो रहा है? हैं? रोने दो इसे, तुम्हें तो अपनी भांजी से फुर्सत नहीं है ना। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं माँ हूँ इसकी। आ गया तुम्हें होश कि ये तुम्हारा बेटा है? लो आ गया ख्याल कि तुम इसकी माँ हो। वारिस बेटा, इतना आ गई मामा आपकी। आजो बीबी आजो, मामा आ गई। चुप बस मामा की जान, बस बस रोते नहीं। जोया मुझे तो, मैं चुप करवाऊं। तुम्हें पता है ना अम्मी ने इसे मेरे हवाले कर दिया, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। तुम जाओ यहाँ से। अम्मी ने तुम्हारे हवाले कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी माँ नहीं रही। माँ हो तो फिर माँ की तरह ख्याल भी करो ना, फेंक के चली गई तो वो संभाल लेगी उसे। तुम जाओ यहाँ से, चलो। अम्मी ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। बेटा बेटा बच्चा, चुप चुप चुप। और तुम कहाँ चली गई थी? वो अम्मी रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं इसको देख लूँ ये क्यों रो रहा है। बस बेटा मामा आ गई। ध्यान आ गया तुम्हें कि ये रो रहा है? हैं? रोने दो इसे, तुम्हें तो अपनी भांजी से फुर्सत नहीं है ना। तुम्हें पता है ना अम्मी ने इसे मेरे हवाले कर दिया, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। तुम जाओ यहां से। माँ हो तो फिर माँ की तरह ख्याल भी करो ना, फेंक के चली गई तो वो संभाल लेगी उसे। तुम जाओ यहाँ से, चलो। तेरा भी हीरा से फोन पर बात करना ठीक है या नहीं? और जो सब कुछ मैंने उसके साथ किया है, उसके बाद क्या हीरा मुझसे बात करेगी? ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
मैं अपने ही घर में अपने बेटे को सीने से नहीं लगा सकती। आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे अपनी अलीजे का एहसास है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने वारिस से मोहब्बत है। ये बात मैंने कैसे समझा? मामी आप आए प्लीज बैठे। नहीं बेटा, तुम्हारे मामू तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा आप चले, मैं आता हूँ। अच्छा अब मैं मामू को क्या जवाब दूंगा, मैं क्यों नहीं आया ऑफिस? क्या मैं पूछ सकता हूं, मेरे कहने के बावजूद भी आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? मामू वो मैंने स्पेशली तुमसे मिलवाने के लिए सिकंदर साहब को बुलवाया था और तुम्हें पता भी था कि आज शाम को मुझे शहर से बाहर जाना है। वो दरअसल मेरे एक दोस्त की वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी तो उसका अचानक फोन आ गया तो मुझे जाना पड़ा। तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे, कॉल करना तो दूर की बात, तुमने मेरी कॉल को अटेंड करना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है मामू, वो जल्दी में फोन गाड़ी में रह गया था तो इसलिए अभी कॉल अटेंड नहीं कर सका। मैं कल ही जाकर सिकंदर साहब से मिल लूंगा और आज के लिए एक्सक्यूज भी कर लूंगा उनसे। देखो प्रीत, तुम्हें ऑफिस के मामलात में दिलचस्पी लेनी होगी और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना होगा, समझ गए तुम? जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा शिकायत का मौका ना मिले। ठीक किया बाबा आपने, इसको तो इसी तरह समझाने की जरूरत है। फरीद, तुम मुझे बता सकते हो कि वो तुम्हारा कौन सा दोस्त था जिसकी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई और तुम्हें जाना पड़ गया? या फिर तुमने बाबा से वो सब कुछ झूठ बोला ताकि तुम्हारी जान बच सके, है ना? तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरे से इस तरह की बातें मत पूछा करो। क्यों मेरा कोई मतलब नहीं है फरीद? आफ्टर ऑल बीवी हूँ तुम्हारी, हक बनता है मेरा तुमसे हर बात पूछने का। हक? कौन से हक की बात कर रही है तुम? ये बातें तुम पर सूट नहीं करती रक्षा। माइंड योर लैंग्वेज फरीद। यू माइंड योर ओन बिजनेस ओके? आइंदा मेरे किसी भी काम में बोलने की जरूरत नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर आपका मेकअप खत्म हो गया हो तो हम चलें। वैसे भी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलें। अब आप फरीद और अमशा से मिले? हाँ, मैं अपनी बेटी से मिल लिया हूँ। शकील, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो हमारी बेटी का शौहर है।
अब आप बात को खत्म कर दें। ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप अपनी बेटी और दामाद से मिल लें, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूं। क्या हुआ है रमशा, तुम्हारी कोई बात हुई है फरीद से? मामा, इसको बात करने की तमीज ही नहीं है, पता नहीं क्या समझता है ये खुद को। हुआ क्या है बेटा, ये तो बताओ। मामा, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारा वो कौन सा दोस्त था जिसकी वाइफ की अचानक तबीयत खराब हो गई। आप ही बताएं मैंने कौन सी गलत बात कर दी। नहीं बेटा, तुमने गलत नहीं पूछा, लेकिन इस वक्त उससे सवाल नहीं करना चाहिए था। मामा, आप भी उसी की साइड ले रही हैं। नहीं बेटा, मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। देखो, आज वैसे ऑफिस ना आने पर तुम्हारे बाबा ने उसको बहुत बातें सुनाई हैं, और फिर ऊपर से तुमने ये सवाल कर दिया। लेकिन मामा। अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे बाबा और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, मैं तुमसे मिलने आई थी। तुम और फरीद अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है मामा, आप जाएं और मामू को मेरा सलाम कहिएगा। बेटा, जाते जाते तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम और फरीद हमारे जाने के बाद एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। ठीक है मामा, आप जाएं। That's like a good girl. अपना ख्याल रखना। हाँ, फरीद का फोन। हेलो, यारा मैं फरीद बात कर रहा हूँ। इसका फोन बज रहा है? इसका फोन है? पता नहीं अम्मी, काफी देर से कोई कॉल्स कर रहा है, शायद रॉन्ग नंबर है। लोगों के पास भी बड़ा वक्त है। हीरा ने मेरा नाम सुनकर फोन क्यों काट दिया? जरूर मुझसे नाराज होगी। दोबारा ट्राई करता हूँ। फिर बज रहा है फोन, इधर लाओ मैं बात करूँ। नहीं अम्मी, रहने दें, क्या जरूरत है। इधर दो, ऐसे लोगों को ठीक करना मुझे आता है। हेलो हेलो हेलो, बंद कर दिया। हेलो जी, मैं फरीद बात कर रहा हूँ, पहचाना आपने? जी जी फरीद साहब, आपकी आवाज क्यों नहीं पहचानूंगी मैं। अच्छा, मैंने आपको बताने के लिए फोन किया था कि कल मैंने हीरा को फोन किया था।
अच्छा क्या बात हुई फिर आप लोगों की? नहीं, मेरी बात नहीं हो सकी उससे। ओ, लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद उसने मेरी आवाज सुन के फोन बंद कर दिया। हो सकता है ऐसा ही हुआ। अब आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं हीरा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल आपको सब्र करना होगा। मैं हालात देखकर आपको कॉल करती हूँ। सब्र ही तो नहीं हो रहा मुझसे। मैंने बहुत गलत किया हीरा के साथ। चलें फरीद साहब, आप इंतजार कीजिए, मैं आपको कॉल करूंगी। कोशिश करती हूँ आपकी और हीरा की मुलाकात करवा सकूं। ठीक है, खुदा हाफिज। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर दवाइयां बाकायदगी से चलती रहीं तो आपको ठीक होने में 4 से 6 माह और लगेंगे। फिक्र की कोई बात नहीं है, जब अल्लाह बीमारी देता है तो शफा भी वही देता है। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा याद आया, जोया का फोन आया था, आपकी खैरियत पूछ रही थी। बहुत खुश थी वो, कह रही थी कि घर पर आकर सारी बात तफसील से बताऊंगी। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। बस आप फिक्र मत किया करें, हमेशा खुश रहा करें, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। कैसे तू? मैं ठीक, तू सुना कहाँ गायब है आजकल? बैठ। इधर ही हूँ यार, मैं कहाँ जाऊंगा। एक अच्छी खबर है। वो क्या? अच्छी खबर ये है कि जोया ने मुझसे वादा किया है कि वो 1-2 दिनों मुझे हीरा से मिलवाएगी। अब तो तू खुश है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। बस तू दुआ कर यार, हीरा मेरी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए। हाँ, ताकि तुम उसे फिर से छोड़ सको। नहीं यार, अब तो मैं उसको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा करीब रखूंगा। तुझे मालूम है फरीद, जब तू अपाहिज था, एक गिलास उठकर पानी का नहीं पी सकता था, उस वक्त उस लड़की ने तेरे ऊपर अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी खुशियां कुर्बान कर दी थी। मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहा है यार, मैं पहले ही बड़ी अजियत में हूं। कैसी अजियत? अब तो तूने ऊंचे घराने में शादी कर ली है, जो कि बहुत खूबसूरत लड़की है, किस बात की अजियत? ठीक कह रहे थे, कर ली है मैंने शादी, लेकिन ये शादी करके मैं सिर्फ खुद पर किए हुए एहसान उतार रहा हूं। बेशक तुम्हारे ससुर ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, तुम्हें व्हीलचेयर से उठाकर पैरों पर खड़ा कर दिया। उन्होंने मुझ पर यह एहसान सिर्फ इसलिए किया कि वो चाहते थे कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं। तो अब इस शादी को निभाओ भी तो। मैं निभाना चाहता हूं, अब भी निभा रहा हूं। तुझे नहीं पता यार रमशा का, वो बहुत खुद सा लड़की है, बहुत ज्यादा। वो अपने सामने सबको हकीर समझती है। देख फरीद, मैं तेरी बातें समझ सकता हूं, लेकिन ये शादी गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं कि जब चाह कर ली, जब चाह दिल भर गया, खेल खत्म किया और अपने अपने घरों को वापस चले गए। अच्छा 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 अच्छा, प्लीज बस कर, बस कर, बस बस। मैं पहले ही बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ यार, पर से तूने ये सब बातें शुरू कर दी हैं, मैं तो प्लीज मुझे एक कप चाय पिलवा दे। अनिला।
हेलो, कैसी हो रमशा? क्या हो रहा है? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और एकदम मजे में है। और तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? मुझे क्या पता वो कैसा है, या तो बाहर रहता है या अपने कमरे में, और मैं चली जाऊं तो वो वैसे बाहर चला जाता है। ख्याल रखा करो बेटा, उसका हस्बैंड है वो तुम्हारा। कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है? मामा प्लीज, मुझे किसी के नखरे उठाने की आदत नहीं है। वो जहाँ भी रहे और जैसे भी रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। रमशा मेरी बात तो समझो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अलीज़े जल्दी जल्दी पढ़ना सीख लो, फिर मैं तुम्हारा अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। मैं वहाँ नए नए कपड़े पहनूंगी ना? नहीं नहीं, स्कूल में नए नए कपड़े पहनकर नहीं जाते, सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं। वो मैं आपको दिला दूंगी, ठीक है, लेकिन पहले पढ़ो तो सही। हेलो जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अलीज़े पे मेहनत हो रही है और कुछ नहीं। मैं सोच रही थी हीरा कि मैं जाके आज वारिस के लिए शॉपिंग कर लूं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, कब जाना है? लेकिन मैं अकेली नहीं जा सकती ना, तुम चलो मेरे साथ। मैं चली जाऊंगी तो बच्चे कौन संभालेगा? लो ये कौन सी प्रॉब्लम है, हम अलीज़े को अपने साथ ले जाते हैं और वारिस को अम्मी के हवाले कर देंगे। बल्कि तुम अलीज़े के लिए भी कुछ शॉपिंग कर लेना, इसकी मर्जी की। क्यों बेटा, चलोगी हमारे साथ? जी मैं भी चलूंगी आपके साथ। गुड गर्ल। लेकिन जोया तुम अलीज़े को ले जाओ, अम्मी पता नहीं क्या सोचें। अम्मी कुछ नहीं सोचेंगी, बल्कि वो खुशी होंगी। चलो देखते हैं। देखना कुछ नहीं है, मैं रेडी होने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। ओके बेटा, मैं आती हूँ। ठीक है, जाना है शॉपिंग पे? हेलो। हेलो फरीद साहब, जोया बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आपके लिए खुशखबरी है। चाहत हुई तेरी।